राष्ट्रीय दशहरा मेले का रंग अब चढ़ने लगा है। दुकानें सजने को तैयार हो रही हैं, झूले अपना मूर्त रूप ले रहे हैं, वहीं सर्कस भी अपनी कला को दिखाने के लिए उत्साहित है। यही नहीं, इस सर्कस में ऐसी कला का संगम होगा कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे। कोटा में पहली बार साउथ अफ्रीका के कलाकार आ रहे हैं, जो अपनी जिम्नास्टिक की कला से लोगों का भरपूर मनोरंजन करेंगे। ये सर्कस 65 साल पुराना है और कोटा में 25 साल बाद आ रहा है। देश के चुनिंदा सर्कसों में से एक है। सर्कस के मैनेजर दीपराज सिंह का कहना है कि देश में ये सर्कस सबसे बेहतरीन है, जहां झूले पर कलाबाजी दिखाई देगी, जोकरों का आनंद होगा, हंसी मजाक होगी, वही हैरतंगेज करतब लोगों को रोमांचित कर देंगे। यहाँ पे 3 साल बाद सर्कस आया, अभी हम 25 साल बाद हमारा लगा, और भी बहुत अच्छे कलाकार है हमारे पास, रशियन आइटम है, अफ्रीकन कलाकार है, मणिपुरी कलाकार है, और रशियन साड़ी है, बेबी रोप, रशियन बेबी रोप भी है, ये सब कला है। कला प्रेमी और देखने के आए बहुत स्ट्रगल के दौर से गुजर स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे हैं सर। सर्कस तो लुप्त होता जा रहा है, मुश्किल से 2-4-5 सर्कस बचे जो है हमारा है, और 2 सर्कस साउथ में है, एक और इधर कहीं है, 4-5 सर्कस ही है। मेले ठेलों के अलावा सरकार से कोई अनुदान भी मिलता है क्या आप लोगों को? नहीं सर, सरकार से तो कोई अनुदान नहीं। तो क्या कारण है कि ये लुप्त होते जा रहे हैं, क्या कारण है? सब आजकल पाबंदियाँ ज़्यादा हैं यहाँ पे, ऐसा है वैसा ये, और ये मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब में आप सब कुछ देख सकते हैं, इससे अच्छा सरकार आप देख सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं, तो आप पब्लिक खुद ही कहाँ जाएंगे मोबाइल में देख लेंगे, इस वजह से भी बहुत फर्क पड़ा है। तो जानवर और बच्चों और जानवर जाने से भी बहुत फर्क पड़ा है, तो जानवर बच्चे आते थे, परिवार मिला आता था दिखाने के लिए, सब चीज़ें। तो इस सर्कस में कुछ